गुड इवनिंग। अभी इवनिंग के अभी बज रहे हैं शाम का 7। सुमित अभी जा रहे हैं एक रोल लाने के लिए, चाउमीन लाने के लिए गया था लेकिन चाउमीन नहीं मिला, इसीलिए फिर से जा रहे हैं एक रोल लाने के लिए। बाहर बहुत अच्छे से हवा दे रहा है और सुबह से ना टोटो करके अनाउंस करके जा रहा था कि आज बहुत जोर से बिजली करत के बारिश होने वाला है। बाद में बता, तो रूम पे जाते हैं। हॉस्पिटल फादर इन लोग बैठ के खाना बना रहे। मैं बेडरूम का आपको दर्शन नहीं कराऊंगी बोल के भी आप लोग थोड़ा सा भी होकर झलक देख लिया मिनर से। मैंने घर में बेडरूम में रस्सी टंगा कर कपड़ा सुखाने के लिए दे दिया है। और ये जो हल्ला हो रहा है पड़ोसी के घर में, इतना नज़दीक है ना, उनके घर में कोई आता है तो ऐसा लगता है अपने घर में आया है। एनीवे, और सुबह से ना अनाउंस कर रहे थे गाड़ी में कि आज बहुत ज़ोर से तूफान आने वाला है, फ्रिज का तार, मोबाइल चार्ज करके रख लेना, इमरजेंसी को चार्ज भी करके रख लेना, बहुत ज़ोर से ये सब अनाउंस करते हुए गया। लेकिन आज पूरा दिन बीत गया, ना कोई तूफान, ना कोई बिजली कड़क, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एकदम धीमी धीमी से जो बारिश गिर रहा था ना, वो वाला मोमेंट हुआ था रोमांटिक वाला। वो ऐसा तूफान वूफान तो कुछ नहीं आया है, लेकिन नहीं आया चलो ठीक है, लेकिन गर्मी नहीं गया है। इतना गर्मी भयानक वाला, पूरा दिन गर्मी से एकदम परेशान हो गई थी। अभी 8 बज रहा है तो इस टाइम पे हम लोग हमेशा शाम का नाश्ता करते हैं, तो सुमित गया है फिर से नाश्ते के लिए एग रोल लाने के लिए। देखते हैं वो क्या मिलता है उसे। गए थे चाउमीन लाने के, चाउमीन नहीं मिला, फिर गया है वो, देखते हैं क्या लेके आते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ और कुछ देर पहले सुमित आया था घर में, जो आपने देखा होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी कि कल वाले वीडियो आपने देखा होगा जो किया था मेरे सासू माँ ने। वो क्या बताऊँ, सिलेंडर को खोल के रख रहे हैं, गैस निकाल के पूरे घर में फैला रहे हैं, और उसके बाद जो स्विच हेडबोर्ड जो स्विच बोर्ड है उसको ऐसे ऐसे ये जो स्विच बोर्ड है ना इसको ऑन ऑफ कर रहे, तो ऐसे ना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। देखो मैं अभी तो अभी तो घर में हूँ तो मैं ध्यान रख पा रही हूँ, लेकिन जब मैं घर में नहीं रहूँगी तो ऐसे गैस को खोल के अगर स्विच को ऐसे करेगा तो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होगा। तो मैंने सुमित के साथ बात किया, तो बाबू तुम क्या करोगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जीना चाहती हूँ, ऐसे आप लोग इग्नोर करोगे तो मैं कभी ना कभी मर जाऊँगी, तुमको क्या चाहिए, मैं मर जाऊँ ये चाहते हो क्या तुम, मम्मी को कुछ नहीं करते। तो वो बोला बाबू एक काम करते हैं, मम्मी को एक करके रखते हैं, बोला देखो मम्मी जी का मम्मी को बताएंगे तो मम्मी कुछ नहीं करेंगे, पापा को बताएंगे पापा भी कुछ नहीं करेंगे, यानी कि फादर इन लॉ को बताएंगे ना, फादर इन लॉ थोड़ा सा मारेंगे, फिर घर में बंद करके रखेंगे, ऐसा मारपीट करते ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसीलिए कुछ बताते नहीं हूँ घर में कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा करते हैं। मैं ये जो बाथरूम है, मैं जब भी नहाने जाती हूँ ना बाहर से जो कुंडली बोलते हैं ना, छिटकानी बोलते हैं, उसको लगा देते हैं,
फिर बोलती हूँ खोलो खोलो खोलो, कोई नहीं खेलता, घर में कोई नहीं रहता है, मेरे फादर इन लॉ भी काम पे निकल जाते हैं, सुमित भी काम पे निकल जाते हैं, घर में मैं अकेली रहती हूँ मेरी सासू माँ के साथ, और सासू माँ ऐसे ऐसे करते हैं। कुछ दिनों ये सब नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर से वो स्टार्टिंग हो गया है वो तंग करना मुझे। और जब फादर इन लॉ रहते हैं ना, तब लेटे रहते हैं, सोने का नाटक करते हैं कि वो सो रहे हैं, ऐसे नाटक करते हैं। जब कोई नहीं रहता है तो मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं संभाल नहीं पाती हूँ। ज़्यादातर ये सब जो हादसा वो सासू माँ करने वाले हैं ना, इससे बहुत कुछ एक नुकसान होने वाला है। देखो हम लोग के पड़ोसी के घर और हमारे घर एकदम नज़दीक है, और सबके घर में सिलेंडर रहते हैं, दो करके एक्स्ट्रा डबल सिलेंडर रहता है। अगर हम लोग का ब्लास्ट होता है तो हमारे अटैचमेंट जितना फैमिली है सबके घर में ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा एक हादसा होगा। ये लोग बहुत इग्नोर करते हैं ये सब बातें को, लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ सुनते नहीं है। तो इसी बात के ऊपर सुमित के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, तो वो बोला तुम मायके में जाके रहो, मेरा मम्मी ऐसा है तो तुम मायके में जाके रहो, तुम मम्मी को नहीं ये कर पाओगे, ऐसे ऐसे बोला था। मैंने बोला तुम्हारा यही डिसीजन है कि मैं अलग रहूँ, ठीक है, तो चलते हम आपका खाना बना दूँगी, खाना वाना बना के आप जब 4 बजे काम पे निकलते हैं तब आप मुझे मायके में छोड़ के आ जाना, मैं चली जाऊँगी, आपका डिसीजन यही है। तो बोला मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला कि देखो पापा को बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पापा को बताएंगे तो मम्मी जी को मारेंगे, फिर पीटेंगे, फिर दरवाज़ा बंद करके रख देंगे, ये सब ठीक नहीं है। इससे बेटर है कि मैं जो प्लान जो कह रही हूँ उसको फॉलो करो। वो बोला क्या, मैंने बोला जो हम लोग का को मैं दिखाती हूँ फिर बताती हूँ, ये देखो ये जो क्या बोलते इसको मीटकेस बोलते हैं हम लोग बंगाली में, इसी तरह से इधर एक लगा देंगे तो मम्मी जी इसको खोल नहीं पाएंगे और ये सेफ भी रहेगा और इधर भी कुछ काम कुछ दिक्कत भी नहीं होगा, और ऐसा ऐसा बना देने से अच्छा होता है ना, और लॉक भी हो जाएगा। ये जो ऐसा है ना, इसमें इस तरह से अगर होता है तो इसमें लॉक भी लगा के रख देंगे तो मम्मी जी ये गैस का ये नॉब है खोल भी नहीं पाएंगे, तो एक हादसा भी नहीं होगा, मैं भी चैन से रह पाऊँगी, सब कोई सेफली रह जाएगा। तो मम्मी जी को पापा को बताना नहीं है, तुम एक काम करो, तुम पैसा लेकर ये जो कार्ड है ना ये लेके आ जाओ, मैं बना लूँगी घर में, मुझे आता है बनाना ये सब, तो क्योंकि मेरे पापा को ये सब बनाना आता है, मैंने देख देख के सीखा है। तो मैंने बोला तुम मुझे ला के दो ये वाला जो छिटकनी का जो ये होता है ना फोल्ड होने वाला ऐसे वाला, वो वाला लेके आओ, और ये ऐसा जो क्या बोलते इसे लकड़ी है इसे लेके आओ, फिर मैं इस तरफ का लॉक कर दूंगी, तो मम्मी जी इसको खोल नहीं पाएंगे, तो आग भी नहीं लगेगा घर में और मैं भी सेफली रहूंगी तुम भी। और उसने बोला ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग का ना, तो उसने कहा कि अभी बाबू मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है, पैसा नहीं है तो काम चलाओ जैसा बनाते हैं, कुछ लकड़ी वकड़ी दे के उधर गाट कर देंगे ताकि मम्मी जी ये ना कर पाए। तो वो बस बहस करने लगा, फिर बोला नहीं तुम अपने घर चले जाओ, अपने मायके में चले जाओ, जब ये मम्मी कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाएगा फिर आना। क्या बताऊँ, हमें ये मेरे शादी को 4 साल हो गया है, ऐसा हरकत मेरे साथ होता है, ये क्या बताऊँ। कभी कभी ऐसा होता है ना मेरे फील के मैं इधर से निकल जाऊँ, सुमित को छोड़ के चली जाऊँ, ऐसा होता है। सुमित भी बहुत कुछ किया है मेरे साथ जो आपने देखा होगा, मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया, मैंने सुमित ने किया था कुछ, उसके बाद मैंने खुद को संभाला, उसके बाद ये सब क्या बताऊँ, मुझे बहुत कुछ सहने को मिलता है। ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब बहुत दर्द जमा हो जाता है ना अंदर, तो बोलने से थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है, क्योंकि जिसे मैं बोलती थी ये सब बातें वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब जो भी होता था ना मेरे फादर इन लॉ मम्मी जी जो टॉर्चर करते थे, सुमित मुझसे मुझे भी टॉर्चर किया, बहुत मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किया, फिर भी मैं इधर रह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि
लाइफ में कुछ भी हो जाए इसको सामना करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। आप जितना भागोगे ना आपकी लाइफ में उतना ही होगा। लेकिन फिर भी अभी मैं, अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना मेरे साथ, मैं सब कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड नहीं होता है ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा रहता है मेरे साथ। इसीलिए फिर भी आप सबके लिए मैं हंसते हुए ब्लॉग बनाती हूँ। आप सब मेरे ब्लॉग देखकर नहीं सोच पाओगे कि मेरे साथ कब क्या हुआ। मैं हर टाइम मुस्कुराते रहती हूँ, इतना कुछ दर्द मैं बयां नहीं करती हूँ ऑनलाइन यानी कि ये सब प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन जब दिल में बहुत कुछ हो जाते हैं, दिल पूरा भर जाते हैं, कहीं पे बोलने से हल्का होता है दिल, मुझे पता है। तो इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे मायके में सच बताऊँ, मायके में किसे बताऊँगी, मेरे पापा भैया वो सब अलग है, वो सब ना मुझे ऊपर ही प्यार करते हैं सब। अंदर से सिर्फ एक ही जो करते थे प्रीति, वो नहीं रहा इस दुनिया में। उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मुझे सब कुछ पता है। उसके लिए कोई ने स्टैंड नहीं लिया। मेरे पास बहुत कुछ है, जो प्रीति के लिए अगर मैं स्टैंड लेती ना, बहुत कुछ हो जाता है। आज मैं ये सब बातें ये सब जगह पे नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, रह नहीं पाई आज। इतना कुछ होने के बाद ना, शाम के वक्त जब मेरे फादर इन लॉ आएंगे, तब बहुत कुछ गाली गलौज जैसे करते हैं, फिर भी मैं चुपचाप रहती हूँ, कभी भी कुछ नहीं बोलती। 4 साल हो गया है, कोई नहीं बता पाएगा इधर के श्रेया सास ससुर को गंदा गंदा गाली दिया ये वो। मैं कभी नहीं, मुझे बोलते मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, चुपचाप रोती हूँ। और पहले तो प्रीति को मैं बताती थी, लेकिन प्रीति तो अभी नहीं है। अब क्या किससे बताऊंगी ये सब बातें, सुमित को बताती हूँ ना। सुमित बोलते ठीक है तुम रह नहीं पाते हो, चले जाओ मायके। बात बात पे बोलते हैं ठीक है तुम इधर नहीं रह पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम मायके चले जाओ, मायके चले जाओ। हमेशा मेरा तबीयत बहुत ख़राब होती है तब बोलते मायके चले जाओ। एक हस्बैंड का एक कर्तव्य होता है कि अपने वाइफ को ध्यान रखना, अपने वाइफ को ये करना, लेकिन देखो मेरे मायके में एक इशू है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा हस्बैंड मुस्लिम है। अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरे 4 साल हो गया है इस बातों को। ऊपर सब मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरे सामने भी बोलते हैं। मैं इग्नोर करती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मेरे ससुराल में भी सेम, मैं हिंदू हूँ ना इसीलिए बहुत कुछ बोलते हैं। मैं कुछ इसका कुछ भी जवाब नहीं देती हूँ। अगर आपका हस्बैंड ठीक हो ना, आपको जितना भी हर कोई दुख दे दर्द दे सह लेते हैं, लेकिन जब आपके हस्बैंड भी कुछ बोलते हैं इसके ऊपर, आपको भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने ही चूज़ करके मुझे लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ, उनको ही चूज़ करके मुझे लेके आए। मैं ठीक ठाक से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है। लेकिन सुमित पहले बहुत मुझे बहुत ये करते थे, मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करते। अभी नहीं है, मेंटली बोलने तो वो ऐसा कुछ नहीं कि मारना पीटना ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ अलग ही बात है। आपके सबके साथ शेयर मैंने किया है, और ये जो है पड़ोसी की आवाज़ है, बहुत नज़दीक हम लोग का घर है ना, उनके घर में कुछ होते तो ऐसा लगता है मेरे घर में ही हो रहा है ऐसा। तो बस यही के मेरा जो दिल में जो दर्द है ना, आज मैंने फूट के आप सबके सामने रख दिया। बहुत मुझे टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिर भी मैं हाँ हौसला नहीं हारती हूँ। मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पर, मेरे पापा को पसंद नहीं है, मेरे भैया को पसंद नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ प्रीति को पसंद था। वो भी इन्वॉल्व हो गई थी, उसके भी एक यूट्यूब चैनल है प्रीति की दुनिया बोलकर, आप सर्च करके देख सकते हो। वो भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती थी,
मेरे ससुराल में भी सेम, किसी को पसंद नहीं ये सब बनाना। उतना सपोर्ट मुझे कहीं से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिलता है इसीलिए। बस फ्रेंड, आप सबके साथ ये बातें शेयर करके मुझे थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली और मुझे अच्छा लगा इसीलिए। किसी के साथ बोलते हैं, किसी के साथ अपना दुख बांटने से कम हो जाते हैं, तो इसीलिए आप सबके साथ मैंने शेयर किया। प्लीज़ आप सब इसे गलत इसे मत लेना कि श्रेया अपने फैमिली के बारे में आकर ये सब बोल रहे हैं। देखो, कोई नहीं चाहता है अपने फैमिली को, अपने मायके को, अपने ससुराल को छोटा दिखाना, ये करना, गंदा गंदा कुछ बोलना। लेकिन जब सर से ऊपर चले जाते हैं ना कुछ चीज़ें, तब निकल जाते हैं मुंह से, बस वही। आज मैं इतना सह रही हूँ, ऐसा दिन भी आएगा बहुत अच्छा वाला, मैं बस उसी का, उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ कब वो दिन आए कि मैं थोड़ा सा हंसूँ, दिखावा हंसना ना पड़े, रियल में मैं हंसूँ, खुश रहूँ। मुझे ना हर कोई देखकर नहीं समझेगा कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है मैं ऐसी लड़की हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे अंदर क्या चल रहा है। हमेशा मैं हंसती हूँ, खुशी रहती हूँ, हंसाती हूँ, ऐसा लड़की मैं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो होता है ना सिर्फ मैं जानती हूँ।